नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नरेंद्र देव एक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ पर भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत डीबीटी बायोटेक किसान परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की सहायता से त्वरित कंपोजिट तकनीक एवं उद्यमिता विकास पर 6 दिवसीय कृषक परीक्षण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राजेश सिंह महुआरी और डॉक्टर वी के मागेश्वर वरिष्ठ वैज्ञानिक राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव ब्यूरो कुसमोर मोह ने संयुक्त रूप से किया। मागेश्वर ने सूक्ष्म जीव ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी तथा सूक्ष्म जीवों की सहायता से त्वरित कंपोस्टिंग तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन तथा समन्वित कृषि प्रणाली के विषय में चर्चा की। डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा सह अन्वेषक बायोटेक किसान परियोजना ने अपने संबोधन में बताया कि डीबीटी बायोटेक किसान हब परियोजना अंतर्गत सूक्ष्म जीव आधारित अनुकल्पों की सहायता से हम सभी जैविक कचरों को गुणवत्ता युक्त खाद में बदल सकते हैं। डॉक्टर रणधीर नायक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट, नाडेव कम्पोस्ट व वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग के बारे में प्रकाश डाला। डॉक्टर टी पंडिया राज सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कोटवा के जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में उद्यमी किसान अशोक कुमार रामौता, राज नारायण सिंह, सरोज यादव, साहब राज पांडे, अमित त्रिपाठी, विपिन बिहारी, यशपाल सिंह सहित कुल 20 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में उद्यमी कृषकों को कंपोस्ट बनाने की प्रायोगिक जानकारी भी दी गई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।